सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इस दीपावली चर्चा से पहले आपको बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे हमारे इस वीडियो को, उन सबको भी दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके टीम को और सभी दर्शकों को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला साल मंगलमय रहे, शुभ रहे और वेल्थ और हेल्थ दोनों ही प्रॉस्परस रहे। जी सिद्धार्थ जी, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उस समय बाजार में अच्छी हरियाली दिख रही है, उससे पहले काफी उठापटक चली है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से तो बाजार अच्छी हरियाली दिखा रहा है, थोड़ा सा एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उठापटक चल रही थी उसको निगेट करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये सिर्फ दिवाली से पहले वाला एक उत्साह है या इसमें कुछ एक टिकाऊ रुझान, एक सस्टेनेबल ट्रेंड आप देख रहे हैं? जी राजीव जी, अगर आप देखें मार्केट को, जी जो ओवरऑल ट्रेंड जो बहुत क्लियरली उभर के आ रहा है, ना कि पिछले कुछ दिनों में, बट अगर आप देखें लास्ट कुछ महीनों में, तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, डेफिनेटली वो काफी इम्पैक्ट कर रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ग्लोबली लिंक्ड है और आप वहां से दूर नहीं हट सकते, मगर वो इस ग्लोबल जो वोलेटाइल एनवायरनमेंट में इंडिया एक शाइनिंग स्टार के प्रति बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो जो पीक से मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट्स आर डाउन जस्ट 4-5%, जबकि अगर आप कहीं ज्यादा जो डेवलप्ड मार्केट्स और अदर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो 25-30% डाउन है। यूएस मार्केट्स तो 2 साल लोस पे चल रहे हैं। तो इन सब के कारण है कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं, समझ लीजिए जो सबसे जो मेन दो इश्यूज है, आपका हाई इन्फ्लेशन और उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हाई इंटरेस्ट रेट्स कर रहे हैं, वो दोनों ही काफी कंट्रोल्ड है। इंडिया में इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड है। ग्लोबली अगर अगर फिर से बात करें तो यूएस में 40-ईयर हाई है, यूके में ऑलमोस्ट 18-20 ईयर हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, जबकि ऐसा इंडिया में डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ा है और उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कच्चे तेल के दाम के बढ़ने की वजह से भी काफी इम्पैक्ट आया है, जो कि एक ग्लोबल एनवायरनमेंट वॉर की वजह से भी हुआ है। बट अगर आप देखें तो बहुत बहुत कंट्रोल्ड है। और जो इंडिया का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है जो डोमेस्टिक डेमोग्राफिक्स। हम जो साल पर साल, आपको लगेगा कि ये हर बार आके यही स्टोरी सुनाते हैं, यही कहानी बताते हैं, लेकिन इस साल डेफिनेटली ये जो डोमेस्टिक डेमोग्राफिक बेनिफिट है, ये इंडिया को काफी बेनिफिट कर रहा है टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो इसका रिफ्लेक्शन क्लियरली हमें मार्केट्स में दिख रहा है। हमने पिछले साल अक्टूबर से देखा कि जो FIIs है, जस्ट बिफोर दिवाली अक्टूबर से FIIs ने काफी इंडियन इक्विटीज को बेचा, उसके बावजूद मार्केट 17,000 17,500 के आसपास अभी तक टिका हुआ है। DIIs जो है एक रिटेल जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि मार्केट्स आर ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशंस, एक DII हो गया, एक FII हो गया, बट एक तीसरी महाशक्ति जो बोलते हैं मार्केट में वो उभर के आई है, वो है रिटेल की, और उन्होंने मार्केट्स को पूरा सपोर्ट दिया है। ये ट्रेंड जो है, ये लगता है कि ये अगले 1 साल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबली अगेन फिर से बात करें तो यूएस रिसेशनरीज बात कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जो ग्लोबल दिग्गज है इकोनॉमी के, कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक जब इंटरेस्ट रेट्स यूएस में पीक हो जाएगा तो एक रिसेशन का एनवायरनमेंट हो सकता है। डेफिनेटली इकोनॉमिक स्लोडाउन तो है ही। सिमिलर ट्रेंड दिख रहा है यूरोप में, जहाँ पे कि एनर्जी क्राइसिस चल रही है, और चाइना जो सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है वहां पर भी ग्रोथ स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में इंडियन जो है, इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ेंगे लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन 5.5-6% ग्लोबली वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट GDP ग्रोथ रहेगा। तो इसका बेनिफिट मार्केट को मिलेगा। हम यहाँ से बहुत ज्यादा अगर बात करें तो अपसाइड में भी थोड़ा सा लिमिटेड हो, बट डाउनसाइड में थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है ये सारे कारणों की वजह से। जो डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स हैं, डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज हैं, इनका अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहेगा। हमने लास्ट 2 साल में देखा कि इंडिया कॉर्पोरेट अर्निंग्स 35-40% से ग्रो कर रहा है, और अब ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से ये ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। यहाँ से 12-15% का अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान है अगले 2 साल में। तो
तो इसके वजह से हमें लगता है कि यहाँ से 10-15% अपसाइड हो सकता है और डाउनसाइड में 4-5% डाउनसाइड हो सकता है। जी, तो एक तरफ 10-15% की बढ़त और दूसरी तरफ 4-5% गिरावट की संभावना, तो क्या इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लगता है कि बढ़िया है इस समय? मतलब वैसे तो नीचे से लगभग 750 अंक ऊपर आ चुका है निफ्टी, हमने बीच में 17,500 तक का भी आंकड़ा देखा था, उससे पहले हमने और भी नीचे के आंकड़े देखे थे, लेकिन वो थोड़ी बीती बात हो गई। अब सबसे ताज़ा जो हमें दिखता है कि हम ये जो चाल अभी बनी है उसमें लगभग नीचे से 750 अंक ऊपर निफ्टी आ चुका है, 17,500 के आसपास आ गया। तो क्या यहाँ पर भी, मतलब इन लेवल्स पर भी अगर कोई निवेश करे एक साल के नज़रिए से, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय बाजार में बेहतर है? जी राजीव जी बिल्कुल, मतलब हमारा तो अनुमान यही कहता है कि अगर आपका डाउनसाइड सिर्फ 4-5% है और अपसाइड 10-12-15% तक का अपसाइड अगर देख रहे हैं, और ये हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, तो अपसाइड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हम ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में फ्रॉम अ मिड टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव बहुत ही पॉजिटिव है। अंतराल में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगा, किसी भी दिन अगर यूएस में अगर आप समझिए मार्केट 3-4% डाउन होते हैं तो अपने मार्केट को भी वो इम्पैक्ट आएगा, बट वो सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे एक डोमेस्टिक निवेशक को अपने चुनिंदा शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जो हमारी सलाह है वो ये, जो मार्केट जो अब थोड़ी सी बढ़ के एक ऊपर उभर के आ चुकी है, तो इसमें दो व्यूज होते हैं कि एक कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ अच्छा है और मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए निवेश करना। और ऐसे कोई भी अगर ग्लोबल वोलेटिलिटी की वजह से अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो दो, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखें और ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें। तो एक ही वन गो में इस वोलेटाइल एनवायरनमेंट में ना बाय करते हुए आप उसे 3-4 ट्रांचेस में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने का एक स्ट्रेटेजी रणनीति बनाइए, वो नेक्स्ट एक साल के लिए आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा।